नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले हमने दो वीडियोस में, ठीक है, दो वीडियोस में 200s और WS कवर्स कर चुके हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पर जो हमारी थर्ड वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में हम फिर एक बार 100 और WS कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की जो दो वीडियोज़ हैं, ठीक है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर देखिए। और दोस्तों, रिसेंटली मैंने अभी क्या किया था, जो लास्ट की हमारी टू वीडियोज़ थी उन दोनों को मैंने एक जगह मर्ज कर करके वहाँ पर उनको एक वीडियो में कर दिया है। तो आप चाहें तो वो नियर अबाउट 1 एंड 50 मिनट्स, ठीक है, नियर अबाउट वो 2 घंटे की वीडियो है, 150 या 155 मिनट की एक वीडियो है लॉन्ग, आप उसको देख सकते हैं। या फिर वो दो पार्ट में भी अपलोडेड है, ठीक है, पार्ट 1 और 2 करके, ठीक है, तो आप उसको भी वहाँ से देख सकते हैं। जो आज की वीडियो होगी, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 201 से 300 तक, कहाँ से कहाँ तक, 201 से 300 तो डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। यस, 201 पर है फ्लोगिनिस्ट, PHILOGYNIST, फ्लोगिनिस्ट होता है अ पर्सन हु स्टीम्स वुमेन एज द हायर टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी। दोस्तों देखिए, यहाँ पर वीडियो लेंदी होगी, ठीक है, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि जो वीडियो है वो लेंदी होने वाली है, और इससे पहले की तो वीडियो लेंदी भी हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम जो इनके राइट स्पेलिंग से उनको भी सीख रहे हैं और इनको हम समझते हुए चल रहे हैं, जिससे कि आपको ये आसानी से याद हो जाए। अगर आपको ये पहले से ही आपने इस बुक को पढ़ रखा है या फिर आपने इनको पहले से पढ़ रखा है, तो आप देखिए इनको दोबारा देखिए, जिससे कि आपका रिविज़न हो जाए। और मैं ऐसा करता हूँ, उस वीडियो को देखने के बाद में जो आपकी वोकैब वाली प्रॉब्लम है, स्पेशली OWS से, तो देखिए आपने उनको पढ़ा होगा, भूल जाते होंगे, लेकिन इस बार पढ़ने के बाद में आप उनको नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप उनको समझने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है फ्लोगनिस्ट क्या होता है, अ पर्सन हु स्टीम्स वुमेन एज द हायर टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी। देखिए, ऐसा व्यक्ति जो महिला को क्या समझता है कि वो एक हायर टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी है, इसको हिंदी में कहेंगे वह व्यक्ति जो स्त्री को उच्च प्रकार की मानवता के रूप में मानता हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं को उच्च प्रकार की मानता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फिलोगेनिस्ट। नंबर, ये क्या हो गया भाई, एक मिनट, यस ओके, नंबर 202 देखते हैं। फिलोसफी, PHILOSOPHY, फिलोसफी क्या होता है, द स्टडी ऑफ द नेचर एंड मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑफ द ह्यूमन लाइफ, इसको हिंदी में बोलेंगे दर्शन, ठीक है, द स्टडी ऑफ द नेचर एंड मीनिंग, देखिए नेचर जो प्रकृति है, प्रकृति का अध्ययन, ठीक है, और उसका अर्थ, ऑफ द यूनिवर्स जो यूनिवर्स हमारा ब्रह्मांड है, एंड ऑफ द ह्यूमन लाइफ और जो हमारा जो मन यानी कि जो मनुष्य का जीवन है उसका अध्ययन, उसको बोलते हैं फिलोसफी। फिजियोलॉजी क्या होता है, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स, देखिए जो नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग थिंग होते हैं, ठीक है, रहने के लिए जो नॉर्मल थिंग्स होती हैं, जो उनका फंक्शन है, उसको बोलते हैं शरीर क्रिया विज्ञान, ठीक है। नंबर 204 देखते हैं पोलियंड्री। अब देखिए पोलियंड्री मीन्स क्या होता है, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, यानी कि एक समय में एक से ज़्यादा हस्बैंड रखने की जो प्रथा होती है उसे बोलते हैं बहुपतित्व, ठीक है, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय में एक से ज़्यादा हस्बैंड से शादी करना या एक ही समय में एक से ज़्यादा हस्बैंड्स रखना, उसे बोलते हैं हिंदी में बहुपतित्व। 205 देखते हैं अब क्या है ये, यस देखिए प्रोलोग क्या होती है, प्रोलोग PROLOGUE, प्रोलोग मीन्स होती है अ स्पीच ETC एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्ले, बुक और फिल्म दैट इंट्रोड्यूसेस इट, देखिए ये क्या होती है, एक प्रकार की प्रस्तावना होती है, हिंदी में बोलेंगे इसको। अब इसको समझते हैं, ये क्या है, एक स्पीच है, या ETC स्पीच हो सकती है, स्पीच की तरह होती है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है हमें, ये होती है बिगेनिंग में, यानी कि शुरुआत में, ऑफ अ प्ले, या तो किसी प्ले के शुरुआत में, या फिर किसी किताब की शुरुआत में, या फिर किसी मूवी की शुरुआत में, जो उसका क्या देता है, परिचय कराती है, ठीक है, यानी कि एक ऐसी स्पीच जो उस वर्क का या उस फिल्म का या उस किताब का परिचय कराती है, उसे बोलते हैं प्रोलॉग, जिसको हिंदी बोलेंगे प्रस्तावना। अब देखिए यहाँ पे आपको याद रखने की आवश्यकता है, एक वर्ड होता है एपिलोग। अब देखिए एपिलोग इज द सेम थिंग, लेकिन हमें याद रखना है जो एपिलोग होती है ना वो आती है लास्ट में, PILOGUE। एपिलोग क्या होती है, देखिए प्रोलॉग होती है पहले और एपिलोग होती है लास्ट में, अंत में, ठीक है, वो भी किसी प्ले में हो सकती है, किसी बुक में हो सकती है, या फिर किसी, यस, बुक वगैरह में, फिल्म वगैरह में हो सकती है। अब नंबर देखते हैं 206,
फेस्पोलॉजी क्या होता है? PSEPHOLOGY भाई, फेस्पोलॉजी होती है चुनाव विश्लेषण, ठीक है। द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शंस, देखिए इस प्रकार का अध्ययन करना, किस प्रकार का अध्ययन, कि लोग इलेक्शंस में, चुनाव में किस तरह से वोट डालते हैं, मतलब जो इस तरह का जो वो अपना आकलन करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं फेस्पोलॉजी, चुनाव विश्लेषण। यानी कि वो अपना पहले से प्रेडिक्शन करने लगते हैं कि हाँ इस पार्टी को वोट ज़्यादा डलने वाले हैं, इसको कम डलने वाले हैं, यहाँ से इनको वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इन सबको बोलते हैं फेस्पोलॉजी यानी कि चुनाव विश्लेषण। अब देखिए स्यूडोनिम किसे बोलते हैं, PSEUDONYM स्यूडोनिम होता है, अ फिक्टिशियस नेम यूज इंस्टेड ऑफ हिज रियल नेम, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे उपनाम, ठीक है। अब देखिए इसका क्या मतलब हो गया है, देखिए एक क्या होता है, एक फेक नेम होता है, ठीक है, एक फेक नेम होता है जो राइटर्स यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दो तीन जो स्यूडोनिम है उनको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे एक राइटर हैं जिनका नाम है, यस देखिए जॉर्ज इलियट, GEORGE, जॉर्ज इलियट। देखिए जॉर्ज इलियट का जो रियल नाम है, ये इनका क्या है, ये स्यूडोनिम है यानी कि पेन नेम इसको बोलेंगे, इनका रियल नाम है मैरी एन एवांस, मैरी एन और एवान इनका रियल नाम है, ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए एक राइटर है हमारे ओलिवर, OLIVER, ठीक है, ओलिवर ओ हेनरी, ठीक है, इसको मैं यहाँ दोबारा कर लेता हूँ, ओ हेनरी शॉर्ट में लिख लेते हैं HENRY, ओ हेनरी। अब देखिए यहाँ पे इनका जो पूरा नाम क्या है, ओलिवर हेनरी है, और जो इनका रियल नाम है, रियल नाम तो इनका कुछ और ही है, वो है विलियम सिडनी पोर्टर, ठीक है, विलियम सिडनी पोर्टर। देखिए ओ ओलिवर हैम जो हमारे ये हैं, ओ हेनरी यानी कि ओलिवर हेनरी, इन्होंने एक वर्क लिखा था द लास्ट लीफ, ठीक है, द लास्ट लीफ इनका एक वर्क है, द लास्ट लीफ जो हमारे LT ग्रेड के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और देखिए अगर आप चाहते हैं कि जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, अगर आप उनके जो रियल नाम हैं या फिर उनके जो स्यूडोनेम्स हैं उनको आप जानना चाहते हैं, तो देखिए एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम, फेस्पोलॉजी हो गया, स्यूडोनेम हो गया, उपनाम हो गया, यानी कि सैलरी को देखते हैं। देखिए सैलरी क्या होता है, सैलरी अ स्मॉल रूम नेक्स्ट टू द किचन इन एन ओल्ड हाउस ओरिजिनली यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेज, आप इसको सिर्फ इतना समझिए, वॉशिंग डिशेज, देखिए बर्तन मांजने की जो जगह होती है उसको सैलरी बोलते हैं। आपने किचन वगैरह में देखी होगी, या किचन से अलग भी आपके पार्ट में एक छोटा सा, मतलब किचन के बाहर भी या किचन के बराबर में एक छोटा सा रूम होता है, छोटी सी जगह होती है जहाँ पर बर्तनों को रख करके साफ किया जाता है, तो उस जगह को बोलते हैं सैलरी, SELLERY, सैलरी क्या होती है, बर्तन मांजने की जगह। अब देखिए सोशियोलॉजी क्या होता है, द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, जिसको हिंदी में बोलेंगे नागरिक शास्त्र, द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, देखिए क्लासिफिकेशन मीन्स होता है वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज यानी कि जो ह्यूमन सोसाइटीज हैं उनका जो वर्गीकरण होता है उसको कहते हैं सोशियोलॉजी। अब देखिए इंस्पिंस्टर क्या होता है, इंस्पिंस्टर होता है एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, देखिए बूढ़ी अविवाहित महिला, उसको बोलेंगे आप इंस्पिंस्टर यानी कि वृद्ध अविवाहिता। देखिए एक चार्ल्स डिकेंस का वर्क है द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जो 1860 और 61 में आता है, ठीक है, यस, उसमें एक महिला है जिसका नाम है मिस मिसेस यस मिस हैविशाम है वो, क्योंकि मिसेस तो वह नहीं, सारी तो उनकी हुई नहीं, मिस हैविशाम, तो वो क्या है, इंस्पिंस्टर है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टोइसिज्म क्या होता है, यस देखिए स्टोइसिज्म होता है द फैक्ट ऑफ नॉट एक्सप्लेनिंग, देखिए द फैक्ट ऑफ नॉट एक्सप्लेनिंग यानी कि जो एक्सप्लेनिंग नहीं करते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते हैं, शोइंग व्हाट यू आर फीलिंग, ठीक है, व्हेन यू आर सफरिंग, यानी कि देखिए स्टोइसिज्म होता है, देखिए अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं, किसी चीज़ सफ़र कर रहे हैं और आप उसके बारे में नहीं बता रहे हैं, उसके बारे में व्याख्या नहीं कर रहे हैं, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो देखिए उसको हिंदी बोलेंगे वैराग्य, ठीक है। अब आगे चलते हैं 202 पर, थेइस्ट क्या होता है, थेइस्ट वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, देखिए जो व्यक्ति ये मानता है कि हाँ भगवान है उसे बोलते हैं आस्तिक, ठीक है, जिसके भगवान में आस्था होती है, तो इसको हिंदी में बोलेंगे आस्तिक, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब देखिए यूनिवर्सल क्या होता है, यूनिवर्सल होता है सार्वभौमिक, डन बाय और इन्वॉल्विंग ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, देखिए डन बाय इन्वॉल्विंग, देखिए ये तो किया गया है, ठीक है, और इन्वॉल्विंग ऑल, जिसमें सभी लोग क्या है, इन्वॉल्व हैं, द पीपल इन द वर्ल्ड, जो संसार के सभी लोग क्या है वो
उसमें एक प्रकार से कहेंगे कि वो इन्वॉल्व हैं और इन अ पार्टिकुलर ग्रुप, या फिर वो किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो देखिए उसको बोलेंगे सार्वभौमिक। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम जानेंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है वो कैसी लैंग्वेज है, इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। जो अंग्रेजी भाषा है ये एक सार्वभौमिक भाषा है, मतलब ये लगभग संसार के हर एक कोने कोने में बोली जाती है। वो अलग बात है कि बहुत हाई लेवल पर नहीं बोली जाती है, लेकिन फिर भी बोली हर जगह जाती है। ठीक है, तो ये इंग्लिश कैसी भाषा है, आपकी सार्वभौमिक भाषा है। अब देखिए आगे देखें वर्सेटाइल, VERSATIL, वर्सेटाइल क्या होता है, एबल टू डू मैनी थिंग्स, बहुमुखी, यानी कि ऐसा व्यक्ति एबल टू डू मैनी थिंग्स जो बहुत सारे काम कर सकता है, उसे बोलते हैं वर्सेटाइल। जूलॉजी क्या होता है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज एनिमल्स। देखिए जूलॉजी होता है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी दैट स्टडीज एनिमल्स, यानी कि जो प्राणी विज्ञान होता है, यानी कि जिसमें जीवों का अध्ययन होता है, उसे बोलते हैं प्राणी विज्ञान। ठीक है, यस। एबडक्ट क्या होता है, एबडक्ट टू टेक समबडी अवे इलीगली स्पेशली यूजिंग फोर्स। देखिए टू टेक समबडी अवे, किसी को दूर ले जाना इलीगली, यानी कि अवैध तरीके से, स्पेशली यूजिंग फोर्स, यानी किसी को जोर जबरदस्ती करके दूर ले जाना, तो सिंपल सी बात है, उसको हिंदी में बोलेंगे अपहरण करना। भाई अगर आप किसको अवैध तरीके से ले जा रहे हैं और वो भी जबरदस्ती करके ले जा रहे थे, तो वो क्या हो गया, अपहरण करना हो गया, एबडक्ट मीन्स अपहरण करना। एब्सोल्यूट क्या हो गया, ABSOLUTE, एब्सोल्यूट मीन्स होता है वन हु इज परफेक्ट, वन हु इज परफेक्ट, ठीक है, जो कंप्लीट है, यानी कि परफेक्ट है, निपुण है और कंप्लीट, पूर्ण है, फ्री फ्रॉम इम्परफेक्शन, और उसमें इम्परफेक्शन है ही नहीं, यानी कि वो परफेक्ट है, तो देखिए उसे बोलेंगे पूर्ण, यानी कि कंप्लीट है। अच्छा एक्विट मीन्स होता है बरी करना, ठीक है, इसको समझते हैं। एक्विट मीन्स होता है बरी करना, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली, देखिए ऑफिशियली स्टेट करना इन कोर्ट, कहाँ पर, कोर्ट में, दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, कि देखिए इस व्यक्ति ने ये क्राइम नहीं किया है, ये इस क्राइम के लिए गिल्टी नहीं है, तो उसे हिंदी में बोलेंगे बरी करना। अब देखिए आगे देखते हैं 219 पर, एक्रोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स यानी कि ऊंचाई का डर, देखिए जो ऊंचाई से डर लगता है ना, उसे बोलते हैं एक्रोफोबिया। अब देखिए बहुत सारे डर हैं, बहुत सारे फोबियाज हैं, उनको आगे भी बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक्रोफोबिया होता है। और देखिए यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा वर्ड है जो मुझे इमिडिएटली याद आया, तो मतलब वो अच्छा वर्ड है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसका नाम है, देखिए एक होता है सांप का डर, यानी कि सर्प अध्ययन, सर्प अध्ययन, ठीक है, देखिए सर्प अध्ययन को बोलते हैं ओफियोलॉजी, OPHIOLOGY, मैं आशा करता हूँ ये आपको पता होगा। ओफियोलॉजी क्या होता है, सर्प अध्ययन, यानी कि जिसमें सांप का अध्ययन किया जाता है, द स्टडी ऑफ स्नेक्स। और देखिए इसी से जुड़ा एक वर्ड और है ओफियोफोबिया, OPHIOPHOBIA, ओफियोफोबिया क्या हो गया, द फियर ऑफ स्नेक्स, यानी कि जो सांपों से डर लगता है, दैट इज कॉल्ड ओफियोफोबिया। और देखिए यहाँ पे एक इसका सिनोनिम है, उसको बोलते हैं ओफिडियोफोबिया, OPHIDIOPHOBIA, ओफिडियोफोबिया। चलिए आगे बढ़ते हैं 220, यानी कि 220, 220 पर आ गए हैं। एक्चुअरी ACTUARY, समवन वर्स्ड इन द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, स्पेशली समवन हु यूजेस स्टैटिस्टिक्स टू कैलकुलेट इंश्योरेंस प्रीमियम्स। देखिए इसको बोलेंगे मुंशी, आप इसको इतना समझ लीजिए, मुंशी होता है समवन वर्स्ड इन द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। देखिए जो न्यूमेरिकल डेटा का जो एक प्रकार से इंटरप्रिटेशन करता है या उसको कलेक्ट करता है, उसके बारे में जानकारी रखता है, उसको बोलते हैं मुंशी। एडिक्ट मीन्स होता है लती होना, नशेबाज, अ पर्सन हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड स्पेंड्स अ लॉट ऑफ हिज फ्री टाइम। देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है, किस काम में इंटरेस्टेड है, एंड स्पेंड्स अ लॉट ऑफ हिज फ्री टाइम, और जब भी उसको फ्री समय मिलता है वो उसी में अपना समय व्यतीत करता है, ठीक है। अ पर्सन हु इज अनेबल टू स्टॉप टेकिंग हार्मफुल ड्रग्स, देखिए जो ऐसा व्यक्ति जो हार्मफुल ड्रग्स लेता है और वो अपने आप को नहीं रोक पा रहा है, अनेबल टू स्टॉप, तो देखिए उसे बोलते हैं लती हो गया ना, वो तो नशेबाज हो गया, नशा करने वाला, एडिक्ट। अडोलसेंट क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑफ डिवेलपिंग फ्रॉम अ चाइल्ड इन टू एन एडल्ट, इसको बोलते हैं किशोर, समझ भी लेते हैं इसको, यस, इन द प्रोसेस ऑफ डिवेलपिंग फ्रॉम अ चाइल्ड। देखिए कोई कोई चाइल्ड इन टू एडल्ट, जब देखिए कोई छोटा बच्चा अब वो एडल्ट की तरफ बढ़ रहा है, उसकी जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एडोलसेंट।
एरियल क्या होता है? एरियल होता है ग्रोइंग और एग्जिस्टिंग इन एयर। एरियल मीन्स होता है ग्रोइंग और एग्जिस्टिंग इन एयर, यानी कि हवाई, जो हवा में रहता है। अब देखिए जो एरियल करेक्टर है ना, ये हमारे इंग्लिश लिटरेचर में तीन वर्क्स में दिखाई पड़ता है, थ्री वर्क्स में। चलिए देखिए कौन कौन से वो थ्री वर्क्स हैं। एक तो है द रेप ऑफ द लॉक, द रेप ऑफ द लॉक। आई होप आप सभी जानते हैं कि द रेप ऑफ द लॉक ये किसका वर्क है। ये वर्क है एलेक्जेंडर पॉप का, ठीक है। इसके बारे में आप कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी जान लेते हैं। ये 1712 में आता है, इसमें दो कैंटो होते हैं। 1714 में आता है, इसमें तीन कैंटो और ऐड कर दिए जाते हैं। और 1717 में फाइनली आता है, जिसमें फाइव कैंटोज होते हैं और लास्ट में क्लारिसा की स्पीच को ऐड कर दिया जाता है। और इसमें देखिए SHOC के शौक जो होता है वो बेलेंडा का लैप डॉग होता है। ये तो रहा हमारा द रेप ऑफ द लॉक के बारे में, ठीक है। तो द रेप ऑफ द लॉक में एक तो एरियल आपको दिखाई पड़ता है, और दूसरा एक वर्क है द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट में भी जो विलियम शेक्सपियर का एक वर्क है, उसमें भी एक एरियल नाम का करेक्टर होता है, ठीक है। चलिए और यस थर्ड मुझे इमिडिएटली याद नहीं आ रहा है। यस दो में तो मुझे पता है और थर्ड का मुझे याद नहीं आ रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। अब आगे बढ़ते हैं हम। एडोलसेंट हो गया, एरियल हो गया, एग्नोस्टिक क्या होता है? एग्नोस्टिक यस एग्नोस्टिक होता है अ पर्सन हु डाउट्स ट्रूथ ऑफ रिलीजन, ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति, ठीक है। अ पर्सन हु डाउट्स ट्रूथ ऑफ रिलीजन, ठीक है। अ पर्सन हु डाउट, देखिए ऐसा व्यक्ति जो डाउट करता है, संदेह करता है ट्रूथ ऑफ रिलीजन, जो मतलब एक प्रकार से जो हम उसको बोलेंगे जो रिलीजन है, ठीक है, रिलीजन के बारे में, जिंदगी सच्चाई उसके बारे में डाउट करता है। ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति, देखिए भगवान के बारे में जो संशय करता है उसको, जो व्यक्ति है उसको बोलेंगे आप एग्नोस्टिक। एलिमनीज आप सभी जानते हैं, देखिए जब किसी का डाइवोर्स होता है, शादी टूटती है, उसके बाद में जो एक पैसा या मनी जो डिसाइड की जाती है कोर्ट के द्वारा, उसको देते हैं, तो यानी कि निर्वाह निधि। पढ़ लेते हैं क्या है। द मनी दैट अ कोर्ट ऑर्डर समबडी टू पे रेगुलरली टू हिज फॉर्मर वाइफ, लेकिन जब ये कोर्ट डिसाइड करता है कि उन्हें ना इतना पैसा देना ही देना है, किसको? अपनी वाइफ को, या फिर वाइफ को हस्बैंड को देना पड़ेगा। व्हेन द मैरिज इज एंडेड, जब शादी टूटती है तब, उसे बोलते हैं एलिमनी। अब देखिए एलिगरी क्या होता है? एलिगरी होता है अ स्टोरी, एक कहानी होती है, प्ले भी हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, ETC, इन विच ईच करेक्टर इवेंट इन अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया अ क्वालिटी सच एज ट्रूथ एवर डेथ ETC। देखिए इसमें क्या होता है, जितने भी वो करेक्टर होते हैं ना, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक विचार को रिप्रेजेंट करते हैं, एक क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक और क्या करते हैं वो, सच एज ट्रूथ एवर डेथ ETC। और देखिए यहाँ पे एक वर्क है, यस द पिलग्रिम प्रोग्रेस, द पिलग्रिम प्रोग्रेस एक वर्क है। तो ये क्या है, ये आपका एक एलिगरी है, ठीक है। और ये पिलग्रिम प्रोग्रेस किसका वर्क है? ये है जॉन बनियन का, जॉन बनियन का एक वर्क है पिलग्रिम प्रोग्रेस। तो ये क्या है, एलिगरी है। 227 देखते हैं, एम्बिजुअस, AMBIGUOUS, दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, देखिए जिसको एक से ज्यादा तरीके से समझा जा सकता है, यानी कि जिसके एक से ज्यादा अर्थ हो सकते हैं। नॉट क्लियरली डिफाइंड और स्टेटेड, जो क्लियरली डिफाइंड ना किया गया हो, जिसको क्लियरली स्टेट ना किया गया हो, तो वो क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। सही बात है, पर जिसके एक से ज्यादा अर्थ हैं, जिसको एक से ज्यादा अर्थों में समझा जा सकता है, तो वो अस्पष्ट हो गया ना। एम्बिवर्ट क्या होता है? अ पर्सन हु इज बोथ एन इंट्रोवर्ट एंड एन एक्सट्रोवर्ट। देखिए एम्बिवर्ट का मतलब होता है कि देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है, तो उसको हम बोलेंगे उभयमुखी, ठीक है। जैसे एम्बिडेक्स्ट्रस होता है, एम्बिडेक्स्ट्रस क्या होता है? अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन यूजिंग बोथ द हैंड्स। देखिए एम्बिडेक्स्ट्रस होता है जो व्यक्ति अपने दोनों हाथों का बराबर इस्तेमाल करता है, तो वह एम्बिडेक्स्ट्रस हो जाएगा, यानी कि उभय हस्त, जो दोनों हाथों से काम करता है। एमोरल क्या होता है, पहले इसको ऊपर करते हैं। यस एमोरल होता है नॉट फॉलोइंग एनी फॉर्मल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, ठीक है। एमोरल होता है नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स, जो मॉरल रूल्स को फॉलो नहीं करता है, एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, और जो सही और गलत का भी ध्यान नहीं रखता है, ठीक है, उसे बोलते हैं नीतिहीन, ठीक है। एनेक्डोट क्या होता है? एनेक्डोट अ शॉर्ट, ठीक है, एक छोटी इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। देखिए जो छोटी कहानी होती है,
किसी व्यक्ति के बारे में या किसी इंसिडेंट के बारे में, कोई इवेंट के बारे में जो क्या है वो रियल है, उसे बोलते हैं लघु कथा, यानी कि एनेक्डोट। 20, यस 231, 231 है। एनोनियम्स क्या होता है? विद अ नेम दैट इज नॉट नोन, दैट इज नॉट मेड पब्लिक। अब देखिए एनोनियम्स क्या होता है? गुमनाम होता है, यानी कि एक ऐसा नाम विद अ नेम दैट इज नॉट नोन, ऐसा नाम जो जान पहचान का नहीं है, उसको नहीं बताया गया है, वो उसे कोई नहीं जानता, दैट इज नॉट मेड पब्लिक, जिस नाम को पब्लिक नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखिए कुछ लोग जो कुछ राइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक स्यूडोनेम को यूज़ करते हैं, स्यूडोनेम क्यों यूज़ करते हैं, जो उनका रियल नेम नहीं होता है, जबकि फेक नेम होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनको किसी भी प्रकार के हरेसमेंट मिले, एम्बरेसमेंट मिले सोसाइटी से। ठीक है, इसलिए वो अपना एक गुमनाम यूज़ करते हैं, गुमनाम। अच्छा वो क्या करते हैं, वो अपना एक फेक नेम यूज़ करते हैं। देखिए अगर उसमें किसी का नाम नहीं दिया गया तो वो एनोनियम्स हैं, और अगर उसमें कोई नाम दिया गया है लेकिन वो राइटर का रियल नाम नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका सूडोनेम हो जाएगा। अच्छा एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट, एंटीडोट देखिए अ सब्सटेंस दैट कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ पॉइजन और डिसीज। देखिए ऐसी दवा होती है, ऐसी औषधि होती है जो किसी जहर को या किसी बीमारी को क्या करे, उसका मतलब उसकी काट करे। ठीक है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई पॉइजन पहुंच गया है तो उसको एंटीडोट देना पड़ेगा, जिससे कि वो जो अंदर पॉइजन है उसको ख़त्म करे, तो इसे बोलेंगे हिंदी में विषर औषध, यानी कि जो विष का नाश करे। एंटीसेप्टिक क्या होता है? ANTISEPTIC, एंटीसेप्टिक होता है आ सब्सटेंस दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन वर्म्स बाय किलिंग बैक्टीरिया, रोगाणु रोधक। ठीक है, एंटीसेप्टिक क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। देखिए एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है। अब देखिए इन्फेक्शन कहाँ पर? इन वर्म्स, जो घाव वगैरह होते हैं, बाय किलिंग बैक्टीरिया, और उन वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं घाव में उनको मार देता है, तो इसे बोलते हैं एंटीसेप्टिक। एपैथेटिक क्या होता है? अपैथेटिक, शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथ्यूजियाज्म और कंसर्न, यानी कि उदासीन, एपैथेटिक उदासीन। ठीक है, शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, देखिए उस क्या दिखा रहा है, शोइंग और फीलिंग दिखा रहा है और ऐसा महसूस करा रहा है कि देखिए नो इंटरेस्ट, मुझे कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, ओके। अप्रेंटाइस क्या होता है? APPRENTICE, अप्रेंटाइस होता है अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड। देखिए एक कैसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, अ पर्सन हु वर्क्स, एक ऐसा व्यक्ति जो काम करता है, किसके लिए काम करता है, फॉर एन एक्सपर्ट, जो एक निपुण व्यक्ति है उसके लिए काम करता है, टू लर्न ट्रेड, कि उसको भी क्या सीखना है, उसको भी व्यापार वगैरह सीखना है, तो उसको बोलेंगे शिक्षार्थी, अप्रेंटाइज। आर्बिट्रेटर क्या होता है? ARBITRATOR, आर्बिट्रेटर होता है अ पर्सन हु इज चोजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट, यानी कि पंच, यानी कि देखिए एक ऐसा व्यक्ति जब दो पार्टीज में विवाद हो जाता है तो जो झगड़ा सुलझाने का काम करता है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है? यस आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु स्टडीज कल्चर्स ऑफ द पास्ट, देखिए जो पास्ट के कल्चर की पढ़ाई करता है, जो पास्ट की जो संस्कृति है उसका अध्ययन करता है, एंड ऑफ, और किसका करता है, पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द ग्राउंड। और देखिए क्या वो उनकी पड़ताल करता है, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, जो पुरानी धरोहरें हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, और क्या है, वस्तुएं हैं जो जो ढूंढी गई हैं, मतलब जो ग्राउंड लेवल पर ढूंढी गई हैं, उनका अध्ययन करके जो पुराना कल्चर है उसके बारे में जो अध्ययन करता है उसको बोलते हैं पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, यानी कि इंग्लिश में आर्कियोलॉजिस्ट। आर्टिकुलेट क्या होता है? गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज, गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज, फीलिंग्स क्लियरली इन वर्ड्स। देखिए जो शब्दों में आइडियाज को, फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस कर देता है उसे बोलते हैं आर्टिकुलेट, स्पष्ट या गांठदार, यानी कि गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज, फीलिंग्स क्लियरली इन वर्ड्स, यानी कि स्पीच, जो शब्दों में अच्छे से अपने आइडियाज़ को क्या करता है, स्पष्ट रूप से शो करता है, एक्सप्रेस करता है। आर्टिस्ट क्या होता है? आर्टिस्ट अ पर्सन हु क्रिएट्स वर्क्स ऑफ आर्ट, पेंटिंग्स, ड्राइंग, कलाकार। देखिए ऐसा व्यक्ति जो क्रिएट्स करता है, बनाता है, क्या करता है, आर्ट पेंटिंग, जो आर्ट पेंटिंग बनाता है या उनको ड्राइंग करता है वो कलाकार होता है। एवराइस, तो लालच होता है, लोभ होता है। एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ, जो हद से ज़्यादा, एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ, यानी कि जो हद से ज़्यादा पैसा की जो चाहत होती है उसे बोलते हैं एवराइज। बैरोमीटर होता है क्या? बैरोमीटर अभी समझते हैं इसको, तो ये तो वायु वगैरह मापने के लिए कुछ ऐसा होगा।
एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर टू शो व्हेन द वेदर विल चेंज। देखिए ये रहा मेजरिंग एयर प्रेशर, जो देखिए वायु दाब है, वायु दाब को मापने के लिए यूज किया जाता है। सो व्हेन द वेदर विल चेंज, और देखिए ये शो करता है कि कब मौसम बदलने वाला है, ठीक है, बैरोमीटर। बेनिफिशियरी क्या होता है, लाभार्थी होता है। अ पर्सन हु गेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ, अ पर्सन हु गेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, यानी कि लाभार्थी बोलते हैं इसको। बिब्लियोग्राफर, यू ऑल नो वेरी वेल, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोग्राफर। समवन ट्रेंड इन कंपाइलिंग बुक्स आर्टिकल्स अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ग्रंथकार, ठीक है। देखिए बिब्लियोग्राफी इज द वन हु, यस, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोग्राफर, बिब्लियोग्राफी, अभी समझते हैं इन तीनों को। यस, बिब्लियोग्राफर, समवन ट्रेंड इन कंपाइलिंग बुक्स, देखिए जो बुक्स को कंपाइल करता है, जो बुक्स को एक साथ में इकट्ठा करता है, उनके जो आर्टिकल्स वगैरह हैं उनको सही से एडिट करता है, उनको लिखता है उसमें, तो वो ग्रंथकार होता है। बिब्लियोफाइल क्या होता है, अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, पुस्तकों का प्यार करने वाला, यानी पुस्तकों को प्यार करने वाला, लवर ऑफ बुक्स, अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। देखिए ग्राफी अगर आ जाता तो बिब्लियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ, ये उसका अध्ययन हो जाएगा किताबों के बारे में, जो किताबों को कंपाइल करना है या बुक्स या आर्टिकल्स को कंपाइल करना है तो वो अध्ययन हो जाएगा। बोके क्या होता है, बोके, BOUQUET, बोके होता है अ बंच ऑफ फ्लावर्स अरेंज इन एन अट्रैक्टिव वे, अ बंच ऑफ फ्लावर्स अरेंज इन एन अट्रैक्टिव वे सो दैट इट कैन बी कैरीड इन अ सेरेमनी प्रेजेंटेड एज अ गिफ्ट। देखिए जब बंच ऑफ फ्लावर, जब फूलों का जो गुच्छा होता है उसको एक प्रकार से अट्रैक्टिव वे में सेट किया जाए, ठीक है, और उसको ले जाया जाता है इन सेरेमनी वगैरह में, प्रेजेंटेड एज अ गिफ्ट, वहाँ पर उसको एज ए गिफ्ट प्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं गुलदस्ता। बोवीन क्या होता है, बोवीन, बोवीन कंसर्न कनेक्टेड विद काउस, देखिए जो गाय से जुड़ा हुआ है उसे बोलते हैं गोजाती है, बोवीन गोजाती है। BOWER, बावर क्या होता है, देखिए बावर होता है जो पेड़ों के नीचे की जो छाया होती है उसे बोलते हैं, ठीक है, पेड़ों के नीचे की जो छाया होती है, अभी वो वर्ड आगे आ सकता है। कैलीग्राफर, अभी समझते हैं, यस, कैलीग्राफर क्या होता है, समवन स्किल्ड इन पेनमैनशिप, कैलीग्राफी, ब्यूटीफुल राइटिंग डन विद अ स्पेशल पेन और ब्रश। देखिए सुलेखक आप इसको ऐसे समझिएगा, देखिए कैलीग्राफर इज द वन हु राइट्स नीटली एंड क्लीनली, देखिए ऐसा व्यक्ति जो साफ साफ लिखता है, कैलीग्राफर इज द वन हु राइट्स ब्यूटीफुली, जो साफ साफ लिखता है वो कैलीग्राफर हो गया। अब यहाँ पे आप दो तीन वर्ड और जानेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं ग्राफर से रिलेटेड। देखिए एक वर्ड होता है कैलीग्राफर हो गया हमारा, और दूसरा वर्ड होता है हमारा काकोग्राफर, CACOGRAPHER। काकोग्राफर इज द वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स, ठीक है, देखिए जो स्पेलिंग्स, जिसको सही स्पेलिंग्स नहीं आती हैं, जो स्पेलिंग्स एरर करता है, दैट इज कॉल्ड काकोग्राफर। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड और जानेंगे, लेक्सिकोग्राफर, LEXICOGRAPHER। लेक्सिकोग्राफर इज द वन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, देखिए जो डिक्शनरीज बनाता है या डिक्शनरीज को एडिट करता है उसे बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। अब देखिए यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, देखिए 1755 में सबसे पहली बार जो हम डिक्शनरी यूज़ करते हैं, सबसे पहली बार जो इंग्लिश की डिक्शनरी थी वो बनाई थी सैमुअल जॉनसन ने, मतलब उसको उसने पब्लिश कराया था, सैमुअल जॉनसन, इंग्लिश लिटरेचर में नाम है ये सैमुअल जॉनसन ने, कब, 1755 में, ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए कैलीग्राफर हो गया और लेक्सिग्राफर हो गया, काकोग्राफर हो गया, और यहाँ पे एक वर्ड और जान लेते हैं कार्टोग्राफर, CARTOGRAPHER। आई होप आप जानते हैं कार्टोग्राफर क्या होता है, कार्टोग्राफर इज द वन हु ड्रोज मैप्स, देखिए जो मैप बनाता है उसे बोलते हैं हम कार्टोग्राफर। अब आगे देखते हैं कैलुअस, CALLOUS, कैलुअस क्या होता है, नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग और सफरिंग, देखिए जो दूसरे लोगों की, नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग, जो दूसरे लोगों की जो फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, और सफरिंग्स होती हैं, जो वो परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनको नहीं समझता है, उनकी केयर नहीं करता है, तो उसे बोलते हैं कठोर। सेलर क्या होता है, सेलर ये तहखाना होता है। एन अंडरग्राउंड रूम ऑफन यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स वाइन सॉल्ट etc। देखिए तहखाना क्या होता है, जो मकान होता है ना, मकान के नीचे की तरफ जो बना हुआ होता है जमीन में अंदर की तरफ, उसमें कैश स्टोर करने के लिए जनरली उसमें स्टोर किया जाता है वाइन को, सॉल्ट etc को, वो भर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड तहखाना।
सेंटेनेरियन क्या होता है? CENTENARIAN सेंटेनेरियन होता है अ पर्सन हु इज़ अ 100 ईयर्स ओल्ड और मोर। देखिए जो 100 साल का व्यक्ति है या 100 साल से ज़्यादा का है उसे क्या बोलते हैं? सेंटानेरियन, सेंटिनेरियन, CENTENARIAN सेंटिनेरियन, 100 वर्ष का। देखिए यहाँ पर हमने 50 कंप्लीट कर लिए हैं और आगे बढ़ते हैं। 251 कोरियोग्राफी क्या होता है? CHOREOGRAPHY द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड अरेंजिंग द स्टेप्स, नृत्य कला। ठीक है, यानी कि देखिए कोरियोग्राफी क्या होती है, इसमें देखिए द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड अरेंजिंग द स्टेप्स। देखिए जब वो नाचते हैं ना, डांस करते हैं, तो उसमें जो एक प्रकार से जो नाच सिखाने वाला होता है वो कैसे बताता है कि हाँ किस तरह से आपको अपने स्टेप्स को अरेंज करना है, तो वो नृत्य कला होती है, द आर्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, या द ठीक है द आर्ट ही होती है ये, और क्या होता है? कलीग क्या होता है? COLLEAGUE कलीग होता है अ पर्सन दैट वन वर्क विद एट द सेम प्लेस इन अ प्रोफेशन और इन बिजनेस। देखिए साथ काम करने वाला व्यक्ति कलीग बोलते हैं उसको, अ पर्सन दैट वन वर्क विद द सेम प्लेस, जो एक जगह पे काम करता है और एक जैसे ही प्रोफेशन में और बिजनेस में। ठीक है, कम्युनिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु बिलीव्स इन और सपोर्ट लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग पोजिशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, साम्यवादी इसको कहेंगे हम। ठीक है, अच्छा कंप्रोमाइज़ क्या होता है? समझौता। ठीक है, कंप्रोमाइज समझौता, एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स। देखिए जो लोगों के बीच में या फिर ग्रुप्स के बीच में जो समझौता होता है उसे ठीक है कहते हैं हम कंप्रोमाइज। कंजर्वेटिव क्या होता है? कंजर्वेटिव होल्डिंग टू ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज एंड कॉशियस अबाउट चेंज और इनोवेशन, अ पर्सन हु इज अपोज टू ग्रेट सडन सोशल चेंज। इसको बोलते हैं रूढ़िवादी। ठीक है, अपरिवर्तनवादी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो आसानी से किसी भी चेंजमेंट को नहीं चाहता है, उसको नहीं चाहता है कि यहाँ पे कोई बदलाव हो, यानी कि पुराने ही रीति रिवाजों को मानने वाला हो, उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव रूढ़िवादी। क्रिमिनल क्या होता है? क्रिमिनल क्रिमिनल होता है यस कनेक्टेड विद क्राइम। देखिए जो क्राइम से जुड़ा हुआ हो, क्राइम करता हो तो अपराधी हो जाएगा वो। ठीक है, कल्पेबल क्या होता है? CULPABLE कल्पेबल मीन्स होता है रेस्पॉन्सिबल एंड डिजर्विंग ब्लेम और हैविंग डन समथिंग रॉन्ग। देखिए आपराधिक बोलेंगे इसको, आपराधिक, रेस्पॉन्सिबल एंड डिजर्विंग ब्लेम। देखिए जो किसी भी ब्लेम, किसी भी दोष के लिए रेस्पॉन्सिबल हो या डिजर्व करता हो फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग, और उसने कुछ गलत किया हो, तो आपराधिक हो जाएगा, कल्पेबल, कल्प्रिट जो होता है। सिनोश्योर CYNOSUR सिनोश्योर क्या होता है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन आकर्षण बिंदु। डेरेलिसिट, डेरेलिक्ट, DERELICT, डेरेलिक्ट क्या होता है? अ पर्सन विदाउट अ होम अ जॉब और प्रॉपर्टी, यानी कि आवारा व्यक्ति। ठीक है, अ पर्सन विदाउट अ होम अ जॉब और प्रॉपर्टी। देखिए अगर किसी व्यक्ति के पास में घर नहीं है, ठीक है, जॉब नहीं है और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो क्या होता है? डेरेलिसिट, डेरेलिक्ट, DERELICT, डेरेलिक्ट। डायलॉग क्या होता है? DIALOGUE डायलॉग होता है, कन्वर्सेशंस इन अ लुक प्ले और फिल्म मूवी, यानी कि जो संवाद होता है किसी फिल्म में किसी प्ले में जो होता है उसे डायलॉग बोलते हैं। डिप्सोमैनिया, डिप्सोमैनिया क्या होता है? एन इंटेंस परसिस्टेंट डिजायर टू ड्रिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस टू एक्सेस। देखिए शराब की लत को बोलते हैं डिप्सोमैनिया, जिसमें शराब पीने की जो बहुत ज़्यादा ललक होती है, शराब पीने की जो बहुत ज़्यादा चाहत होती है, दैट इज कॉल्ड डिप्सोमैनिया। अच्छा डर्ज क्या होता है? देखिए डर्ज होता है अ सॉन्ग संग इन द पास्ट एट अ फ्यूनरल और फॉर अ डेड पर्सन। देखिए जो फ्यूनरल टाइम पे या फिर किसी मृत व्यक्ति के लिए जो गाना गाया जाता है उसे बोलते हैं हम डर्ज, इन हिंदी दैट इज कॉल्ड शोक गीत। ठीक है, ईफेज्ड, ईफेज्ड क्या होता है? रिमूव, हटाना, रिमूव कंप्लीटली फ्रॉम रिकॉग्निशन। ठीक है, यानी कि जो पहचान किससे, मतलब कंप्लीटली हटा देना, पूरी तरह से हटा देना किससे, जिससे कि उसकी पहचान ना हो पाए। ठीक है, मेमोरी, ठीक है, या तो पहचान से या फिर मेमोरी से, याद से, रिमूव बाय और एज इफ बाय रबिंग, या तो उसको रगड़ करके भी, तो उसको बोलते हैं पोंछ कर मिटाना, इफेज्ड। देखिए क्लीन क्या होता है? क्लीन भी साफ करना होता है, ठीक है, क्लियर भी साफ करना होता है। और देखिए एक यहाँ पे न्यू वर्ड जानेंगे आप, क्लीन्स, CLEANSE, क्लीन्स मीन्स होता है अच्छी तरह से साफ कर देना, अच्छी तरह से साफ कर देना, यानी कि लाइक इफेज्ड, जिससे कि उसकी पहचान ना की जा सके। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे? सनानिम हो जाएंगे।
इगोटिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली कंसीटेड और एब्जॉर्ब्ड इन देमसेल्फ, यानी कि अहमवादी बोलेंगे इसको, अहंकारवादी, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसीटेड, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा घमंड होता है, एब्जॉर्ब्ड इन देमसेल्फ, अहमवादी। एलिजिबल क्या होता है? ई एल आई जी आई बी एल ई, अ पर्सन हु इज एबल टू हैव या डू समथिंग बिकॉज ही हैज़ द राइट क्वालिफिकेशंस इज द राइट एज ई टी सी, यानी कि योग्य। देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसके पास में मतलब जो उसका जो पैरामीटर्स होता है किसी भी जॉब के लिए या फिर किसी भी काम को करने के लिए, मतलब उसके पास में योग्यता है, तो वो क्या है, वो एलिजिबल है, योग्य है, ठीक है। इमानसिपेशन क्या होता है? ई एम एन सी आई पी ए टी आई ओ एन, इमानसिपेशन फ्रीइंग समवन फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ अनदर, यानी कि किसी को मुक्ति करना, किसी को मुक्त करना, फ्रीइंग समवन फ्रॉम कंट्रोल अनदर, ठीक है, इमानसिपेशन मुक्ति। एम्बेजलमेंट क्या होता है? एम्बेजलमेंट द एक्ट ऑफ स्टीलिंग मनी दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर और दैट बिलोंग्स टू योर एम्प्लॉयर, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, यानी कि गबन। इसको समझ लेते हैं क्या है। देखिए, द एक्ट ऑफ स्टीलिंग मनी यानी जो पैसा चुराना है, ठीक है, दैट यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर और दैट बिलोंग्स टू योर एम्प्लॉयर, और देखिए जो वो पैसा है ना वो आपके एम्प्लॉयर से बिलोंग करता है, तो देखिए एम्बेजलमेंट हो जाएगा, गबन। इमेरिटस, ई एम ई आर आई टी यू एस, इमेरिटस क्या होता है? वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, अवकाश प्राप्त, यानी कि जिसको सम्मान के साथ में क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं सर्विस से, इमेरिटस हो जाएगा, अवकाश प्राप्त। एन यू ई डबल एन यू आई, एन यू क्या होता है? अ स्टेट ऑफ मेंटल वेयरनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन, विरक्ति। एंटोमोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट क्या होता है? अ जूलिस्ट, जूलॉजिस्ट हो जाएगा भाई, आ जूलॉजिस्ट पर्सन हु स्टडी इंसेक्ट, यानी कि जो व्यक्ति कीड़ों का अध्ययन, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करता है उसे बोलते हैं कीट विज्ञान शास्त्री, ठीक है, एंटोमोलॉजिस्ट। टू सेवन वन देखते हैं क्या है। एनवियस, ई एन वी आई ओ यू एस, एनवियस मीन्स होते हैं ईर्ष्या, फीलिंग ऑफ डिसकंटेंटेड अराउज्ड बाय समवन एल्स पोजेशन और क्वालिटीज। देखिए ये क्या है, ईर्ष्या होती है। एनवायरमेंट सभी को पता है, वातावरण होता है, द कंडीशंस दैट अफेक्ट द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ समबडी और समथिंग, द कंडीशन दैट अफेक्ट, जो प्रभाव डालती हैं बिहेवियर किसी के व्यवहार में, ठीक है, एंड डेवलपमेंट और विकास में, ऑफ समबडी और समथिंग, यानी किसी व्यक्ति और व्यक्ति के बारे में जो कुछ चीज़ें अफेक्ट करती हैं तो उसे बोलते हैं वातावरण। एपिडेमिक क्या होता है? देखिए महामारी, अ लार्ज नंबर ऑफ, यस इसको, यस, अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस, अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज हैपनिंग एट द सेम टाइम इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। देखिए एपिडेमिक और पेंडेमिक में अभी अंतर समझेंगे इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं महामारी। तो देखिए एपी क्या होता है, ये एपी होता है छोटा, यानी कि जो एक पार्टिकुलर स्थान पर होती है, एपिडेमिक जो एक पार्टिकुलर स्थान पर होती है, और देखिए पेंडेमिक क्या होता है, जो पूरे विश्व में फैल जाती है। अब जैसे देखिए अभी रिसेंटली कोरोना जो था ये पेंडेमिक घोषित की गई थी क्योंकि ये लगभग सभी देशों में पहुंच गया था, एपिडेमिक एक पार्टिकुलर कम्युनिटी में, पार्टिकुलर एरिया में, ठीक है, और इसको बोलते हैं महामारी। पेंडेमिक क्या होता है, यानी कि जो सभी जगह फैल जाती है सभी देशों में। एपिग्राम क्या होता है? ई पी आई जी आर एम, एपिग्राम होता है अ शॉर्ट पोयम, फ्रेज दैट एक्सप्रेसिस एन आइडिया इन अ क्लेवर और अम्यूजिंग वे, यानी कि एपिग्राम एक चुटकला होगा, ठीक है, जो एक छोटी कविता हो सकती है, कोई फ्रेज हो सकती है, ठीक है, जो किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करती है, क्लेवर जो चालाकी से अम्यूजिंग वे में, हंसी के पात्र में, हंसी के सेंस में। यूलोजी क्या होता है? अ स्पीच या पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग समबडी और समथिंग वेरी मच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रशंसा भाषण होता है, यूलोजी क्या होता है? प्रशंसा भाषण। यूफेमिज्म क्या होता है? यूफेमिज्म एन इनडायरेक्ट वर्ड और फ्रेज दैट पीपल ऑफन यूज टू रेफर टू समथिंग। समथिंग ठीक है, व्यंजना, ठीक है, व्यंजना। एक्सपोज क्या होता है? एक्सपोज होता है बेनकाब, ठीक है। एम्बेरेसिंग और अनप्लीजेंट टू मेक नोन टू द पब्लिक इन्फॉर्मेशन दैट वॉज प्रिवियसली नोन। देखिए मतलब किसी चीज़ को बेनकाब करना, ठीक है, तो मतलब जिसको पहले नहीं जानते थे कोई जानकारी थी। एम्बरेसिंग और अनप्लीजेंट टू मेक नोन टू द पब्लिक, यानी कोई छुपी रहस्यमय बात को पब्लिक के सामने लाना। इन्फॉर्मेशन दैट वॉज प्रिवियसली नोन, जिसको पहले ही जाना जाता था लेकिन अब क्या हो गया, उस पर दोबारा से पता डल गया है और अब उसको हमें एक बार फिर से क्या कर दिया, बेनकाब कर दिया है।
फेबल क्या होती है? फेबल ओनली टू अ फ्यू पीपल और दैट वॉज मेन टू बी कैप्ट अ सीक्रेट, अ ट्रेडिशनल शॉर्ट स्टोरी, कल्पित कहानी। क्या होती है? कल्पित कहानी होती है। ओनली टू अ फ्यू पीपल मेन टू बी कैप्ट अ सीक्रेट। एक मिनट देखिए, यहाँ पे जो टाइपिंग की जो मिस्टेक, यस देखिए यहाँ से इनको दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। यूरोजी से इसको दोबारा पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आगे पीछे लिखा हुआ है इसमें टाइपिंग में, तो वो थोड़ा सा गलत हो गया है पीडीएफ फाइल में। यस देखिए यूलोजी देखते हैं। यूलोजी क्या होता है? अ स्पीच होती है, अ पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग समबडी समथिंग वेरी मच, ठीक है। ओके अब देखिए यहाँ से यूफेमिज्म देखते हैं क्या होता है। यूफेमिज्म होता है एन इनडायरेक्ट वर्ड और फ्रेज दैट पीपल ऑफन यूज टू रेफर टू समथिंग एम्बेरसिंग और अनप्लीजेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ तक है ये, अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ। यस एन इनडायरेक्ट वर्ड, देखिए कोई ऐसा इनडायरेक्ट वर्ड और फ्रेज होती है दैट दैट पीपल ऑफन यूज टू रेफर टू समथिंग एम्बेरसिंग और प्लीजेंट, यानी कि कुछ ऐसी बातों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो उनके प्रति क्या है, मतलब एम्बेरसिंग है, उनके खिलाफ हैं, ठीक है ना, उनको बुरा लगेगा सुन करके, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसा वे यूज़ करते हैं जिससे कि उसको बुरा भी ना लगे, यानी कि इनडायरेक्ट वे में उन बातों को कह देते हैं। अगर हमें किसी व्यक्ति की बुराई करनी है तो आप उसको इनडायरेक्ट वे में जब कहेंगे ना, जिससे कि वो उस बात को समझ तो पाता है लेकिन वो कह नहीं सकता कि आप मुझे क्लियरली ऐसा बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म। अब देखिए एक्सपोज समझते हैं, एक्सपोज क्या है? टू मेक नोन टू द पब्लिक, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दैट वॉज प्रिवियसली नोन। देखिए ये यहाँ तक है। यस ओनली टू अ फ्यू पीपल और दैट वॉज मेन टू बी कैप्ट अ सीक्रेट। देखिए यहाँ तक है ये, टू मेक सीक्रेट। यस टू मेक नोन टू द पब्लिक इन्फॉर्मेशन दैट वॉज प्रिवियसली नोन ओनली टू अ फ्यू पीपल और दैट वॉज मेन टू बी कैप्ट अ सीक्रेट। अब देखिए एक्सपोज क्या होता है, यानी कि कोई ऐसी जानकारी जो पहले तो थी लेकिन बाद में वो नहीं थी, और उसको क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन दैट वॉज प्रिवियसली नोन ओनली टू अ फ्यू पीपल, लेकिन बहुत कम लोगों को उसके बारे में जानकारी थी, और दैट वॉज मीन टू बी कैप्ट अ सीक्रेट, और जिसका मतलब ये था, जिसका धैर्य ये था कि इसको चुपचाप ही रखा जाए, इसको सीक्रेट ही रखा जाए, इसको ना बताया जाए। अब देखिए फेबल समझते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूँ और फेबल को समझते हैं यहाँ से। फेबल क्या होता है? अ ट्रेडिशनल स्टोरी दैट टीचिज अ मॉरल लेसन। अब देखिए ये क्या होती है? अ ट्रेडिशनल स्टोरी होती है, ट्रेडिशनल शॉर्ट स्टोरी दैट टीचिज, जो सिखाती है क्या, ए मॉरल लेसन, जो यानी कि इसमें एक मॉरल लेसन होता है, एनिमल्स, ठीक है, और इसमें एनिमल्स एज ए करेक्टर होते हैं, ठीक है, एनिमल्स होते हैं इसमें। फैंटेसी को समझते हैं अब। फैंटेसी क्या होता है? अ प्लीजेंट सिचुएशन दैट यू इमेजिन बट दैट इज अनलाइकली टू हैपन, ठीक है, यानी कि अ प्लीजेंट सिचुएशन दैट यू इमेजिन, आप उसकी कल्पना तो करते हैं बट दैट इज अनलाइकली टू हैपन, लेकिन उसके हैपन होने की संभावना नहीं है। फासिस्ट समझते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ना जो जो टाइपिंग थिंग है वो एरर है, मतलब ऊपर नीचे हो गया है। फासिस्ट देखते हैं। यस फासिस्ट क्या होता है? यस यस अ पर्सन हु सपोर्ट्स एन एक्सट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम और एटीट्यूड विच इज इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कोजिंग, यस एंड कोजिंग और एंडिंग इन डेथ। एक मिनट देखिए, फासिसिस्ट क्या होता है? तानाशाही का समर्थक होता है, और फटल क्या होता है? घातक होता है, कोजिंग और एंडिंग इन डेथ, ठीक है। फिलाइन देखते हैं, फिलाइन क्या होता है? कनेक्टेड विद एन एनिमल ऑफ द एक्ट ऑफ द कैट फैमिली। फिलाइन होता है कनेक्टेड विद एन एनिमल ऑफ द कैट फैमिली, तो कैट फैमिली जुड़ा हुआ होता है बिल्ली के समान। फ्लेक्सिबल लचीला होता है, एबल टू चेंज टू सूट न्यू कंडीशन सिचुएशंस, देखिए जो अपने आप को आसानी से बदल लेता है, यानी कि ऐसे शेप में कर लेता है, जो लचीला मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सीबल लचीला है। फ्लोरा क्या होता है? द प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया टाइप ऑफ एनवायरमेंट और पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि वनस्पति, ठीक है, तो फ्लोरा से फूल लगा लीजिए, वनस्पति होता है। जीनियोलॉजी, GENEALOGY, द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ हु द एंसेस्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन्स वर। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं, द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री, यानी कि जो परिवार का अध्ययन होता है, इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ हु द एंसेस्टर्स, और उनके कौन वंशज थे, ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन्स वर, जो किसी एक खास व्यक्ति के, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के, जो उसकी फैमिली है उसका अध्ययन करना, और जो उसके पेरेंट्स कौन थे, जो उसके पूर्वज वो कौन थे, तो वो होता है जीनियोलॉजी, जिसको बोले वंशावली इन हिंदी।
जियोलॉजी क्या होता है? GEOLOGY, द स्टडी ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन, इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द रॉक्स एंड सॉइल, जिसमें देखिए सोइल, जो रॉक्स होती है चट्टाने उनका अध्ययन, सोइल मिट्टी का अध्ययन, ऑफ विच द अर्थ इज मेड, और पृथ्वी किससे बनी हुई है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं भूगर्भ शास्त्र। जर्मिसाइड क्या होता है? अ सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया ATC, देखिए एक ऐसा सब्सटेंस जो बैक्टीरिया वगैरह को मारता है, खत्म करता है, अंकुर का नष्ट करने की शक्ति से युक्त, ठीक है। हर्बीवोर क्या होता है? HERBIVORY, हर्बीवोर होता है, ईट्स ओनली प्लांट्स, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाता है, यानी कि शाकाहारी होता है। हेरेटिक क्या होता है? हेरेटिक, अ पर्सन हु होल्ड्स अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियंस विधर्मी। हाईजैक क्या होता है? टू यूज वॉयलेंस और थ्रेट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू ट्रेवल टू अ डिफरेंट प्लेस और टू डिमांड समथिंग फ्रॉम गवर्नमेंट। देखिए हाईजैक एक विमान का अपहरण होता है, ठीक है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, देखिए टू यूज वॉयलेंस और थ्रेट्स, इसमें वॉयलेंस और थ्रेट्स को यूज करते हैं, टू टेक कंट्रोल ओवर अ व्हीकल, पूरे व्हीकल पे कंट्रोल कर लेते हैं, इन ऑर्डर टू फोर्स, और फोर्स करते हैं इट टू ट्रेवल टू अ डिफरेंट प्लेस, और वो फोर्स करते हैं कि इसको इस स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पर ले जाया जाए, और डिमांड, और कुछ मांग भी करते हैं समथिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट, और सरकार से कुछ डिमांड भी करते हैं, ठीक है। होमेज क्या होता है? HOMAGE, होमेज होता है समथिंग दैट इज सैड डन टू शो रेस्पेक्ट फॉर समबडी, यानी कि श्रद्धांजलि, ठीक है। होमोजेनस क्या होता है? HOMOGENE, यानी OUS, ऑल थिंग्स और पीपल ऑफ द सेम और सिमिलर काइंड ऑफ नेचर, यानी कि सहजाती है। होरिजन क्या होता है? HORIZON, द फर्देस्ट यू कैन सी वेयर द स्काई सीम्स टू मीट द लैंड द सी, क्षितिज, यानी कि होरिजन देखिए ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर जो सी है, द फर्देस्ट यू कैन सी वेयर द स्काई सीम्स टू मीट द लैंड द सी, जहाँ पर जो स्काई है, जो ये आकाश है, वो पृथ्वी से, यानी कि जो भूमि है, भूमि से मिलता हुआ दिखाई पड़ता है, या फिर जो हमारा समुद्र है, समुद्र से मिलता हुआ दिखाई पड़ता है, दैट इज कॉल्ड होरिजन। ह्यूमैनिटेरियन क्या होता है? कंसर्न विथ रिड्यूसिंग सफरिंग एंड इम्प्रूविंग द कंडीशन दैट पीपल लिव इन, मानवीय है। हिम क्या होता है? हिम, HYMN, तो ये तो प्रशंसा गीत होता है, अ सॉन्ग ऑफ प्रेज टू गॉड और टू अ सेंट और टू अवर नेशन, यानी कि भजन या प्रशंसा गीत। इडियोसिंक्रेसी, IDIOSYNCRASY, इडियोसिंक्रेसी क्या होता है? अ पर्सन्स पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग, ठीक है, थिंकिंग ATC, स्पेशली वेन इट इज अनयूजल, अनोखापन, इडियोसिंक्रेसी अनोखापन। इलिसिट, ILICIT, इलिसिट अवैध, नॉट अलाउड बाय लॉ, देखिए जो कानून के द्वारा वैध नहीं है, जो कानून द्वारा मान्य नहीं है, अवैध होता है। इलिटरेट निरक्षर होता है, नॉट नोइंग हाउ टू रीड और राइट, देखिए जिसको ये ना पता हो, या जो नॉट नोइंग हाउ टू रीड और राइट, यानी कि जो पढ़ना और लिखना ना जानता हो, निरक्षर, दैट इज कॉल्ड इलिटरेट। एम्प्लॉयर ई सॉरी इम्प्लोरर, IMPLORER, इम्प्लोरर क्या होता है? अ पर्सन हु आस्क समबडी टू डू समथिंग बिकॉज ही वॉन्ट्स या नीड्स इट वेरी मच, देखिए अनुनय विनय, इम्प्लोरर होता है अ पर्सन हु आस्क, कोई व्यक्ति जो पूछता है समबडी टू समथिंग बिकॉज, कि उसे ना उसकी आवश्यकता है, उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो उसको इम्प्लोरर बोलेंगे। इम्प्रेंजिबल, IMPREGNABLE, इम्प्रेजनेबल, अभेद्य, स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉसिबल टू डिफीट और चेंज, यानी कि जिसको आसानी से ना हराया जा सके, ठीक है। इनएक्सेसिबल क्या होता है? INACCESSIBLE, इनएक्सेसिबल होता है डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीच, टू गेट, दुर्गम। ओके चलिए यहाँ तक हमने 301 कर लिए हैं, 301 हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं, और इसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।